आईलाइनर बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, इससे सस्ता आईलाइनर मुझे नहीं पता कि कहीं मिलेगा। दो मिलते हैं इतने, मतलब लाइक महंगे प्रोजेक्ट में दो शेड्स मिलेंगे, इसमें आपको चार मिल रहे हैं, है ना, वर्थी है ना, हाईली रिकमेंड करूंगी। पिगमेंटेशन देखोगे, लो देखो पिगमेंट पर बहुत अफोर्डेबल, 80 रुपये का आपको दिखाती हूँ। यू कैन सी एन वाई बेकई काजल है, ये ब्लू काजल है, इतना पिगमेंटेशन देता है भाई, इतना। सिर्फ मेकअप ही करने वाली हूँ, स्किन केयर नहीं इंक्लूड करूंगी। अच्छा, ये वाला लुक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर जाके चैनल पे देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड अमेजिंग होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये वाला प्रोडक्ट ना अंडर 300 ही है, सो आप लोग टेंशन मत लेना, अंडर 300 में काफी अच्छे प्रोडक्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम लगाते हैं प्राइमर। प्राइमर ऐसा होना चाहिए जो हमारे पोर्स को फिल कर दे और हमारा बेस काफी स्मूथ बना दे, लॉन्ग लास्टिंग हो। हाईली रेकमेंड करूंगी नाइका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर, 7 ग्राम आपको उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। बेस को ना बिल्कुल स्मूथ एंड परफेक्ट बना देता है, बिल्कुल टेक्सचर इसका बहुत ठीक है, ठीक टेक्सचर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। ये मिनी प्राइमर है, आपको ये अंडर 300 मिनी मिलेगा, बट ट्रस्ट मी वर्क ग्रेट करेगा, इसलिए मैं आपको ये हाईली रेकमेंड करूंगी। फिर हमको चाहिए कोई अच्छा सा फाउंडेशन जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सूट करे, लाइक है ना, ऐसा ही चाहिए ना, लॉन्ग लास्टिंग हो, केकी ना लगे, फाउंडेशन काफी अच्छे से ब्लेंड हो। ओके, उसके लिए मैं बहुत अफोर्डेबल आप लोग के साथ शेयर करूंगी मेबलिन का ये फिटनी पोरलेस मैट फाउंडेशन। ये आपको अंडर 300 बहुत इजीली मिल जाएगा, 1 to 8 फाउंडेशन विद क्लेस में मेरा शेड है, काफी सारे इसमें आपको शेड्स मिल जाएंगे, आप यू ना अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो जो आपको पसंद आता है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन को ये बहुत अच्छे से सूट कर जाएगा SPF 22 के साथ। इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और रेकमेंड करूंगी, हाईली लैक्मे की सीसी क्रीम, वो तो आपको 100 रुपीज में ही मिल जाएगी, बड़ी वाली 300 की मिलेगी, 250 समथिंग या सो। ये दो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी, हाईली रेकमेंड करूंगी ये इनसाइड कॉस्मेटिक की प्रो कंसीलर पैलेट। हर एक शेड आपको उसमें मिलेगा, कंसीलर के लिए, डार्क स्पॉट छुपाने के लिए, कलर करेक्टर एंड कंसीलर एंड ब्रॉन्जर लाइक कॉन्टोर, आपको ये सब मिल जाएगा। ये मैंने लिटरली गाइज 129 की खरीदी है, आई डोंट नो 200 के अंदर ही थी, हाईली रिकमेंड करूंगी, इतना अच्छा इजीली ब्लेंड होता है। हालांकि मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करती हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इतना कलर करेक्टिंग करने की, यू कैन सी अभी मैंने नहीं किया हुआ है, सो या इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आप चाहते हो कोई अच्छी सी पैलेट तो ये जरूर ट्राई करना। मैं एक कंसीलर भी आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगी, दिस इज द ब्लू हेवन 12 अप टू आवर फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर। इसमें आप अपने शेड के अकॉर्डिंग कोई भी परचेस कर सकते हो, इसमें मेरा शेड है वनीला 101। हाईली रेकमेंड करूंगी अस्पा हलाल का ये फेस कॉम्पैक्ट, इतना अच्छा लगता है। गाइस, बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना बिकॉज गणेश चतुर्थी है ना, तो वहाँ पूजा हो रही है, दैट्स व्हाई और यहाँ मैं वीडियोस बना रही हूँ। ओके, अस्पा हलाल का ये फेस कॉम्पैक्ट, इसको मैंने खुद, मुझे कोई ब्रांड ने नहीं भेजा था, मैं इसको खुद मैंने खरीदा, परचेस किया ट्राई करने के लिए बिकॉज मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही थी। 249 का प्राइस है, इसमें मेरा शेड है कैरमल सिल्क 03। अगर आप SPF 15 के साथ है, अगर आप मेरी स्किन टोन के हो ना गाइस, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस शेड, ये है सिल्क 03, बहुत अच्छा शेड है। एंड इसकी कवरेज दिखाती हूँ, ओ माय गॉड, यू कैन सी इसकी कवरेज, लुक ये अपनी इंडियन स्किन टोन को इतना सूट करेगा ना, हम क्या करेंगे बताओ, अपनी आईब्रोज फिल करेंगे है ना। अगर आप टीनेजर हो, आपको आईब्रो चाहिए, सेट करना है, अच्छा लगता है, ऑफकोर्स करनी भी चाहिए, अच्छा लगता है, उससे ना बिल्कुल लुक इनहेंस हो जाता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मार्स कॉस्मेटिक की ब्रो पैलेट, इसमें आपको लिटरली 4 शेड्स मिल जाते हैं, जो अच्छी महंगी प्रोडक्ट्स में भी, पैलेट में भी नहीं मिलते, बट इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं, ये भी अंडर 300 आपको मिलेगा। लो देखो पिगमेंटेशन देखो, मैं ऐसे ही नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको फिर पैलेट नहीं चाहिए, यू कैन ट्राई दिस, ये है आईब्रो पैलेट, आईब्रो पेंसिल, सॉफ्ट वाटरप्रूफ पेंसिल है गाइस, ये स्विस ब्यूटी की 60 रुपीज़ में मिल जाती है, 50 रुपीज़ में, बहुत अफोर्डेबल है। और मैं जब बिगनर थी, मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, इसी से मैं आगे बढ़ी हूँ, इससे और ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल से, इन्हीं से मैं आगे बढ़ी हूँ, सो अच्छी है इसलिए मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो ये है पर्पल की डैजलिंग ग्लेज अल्ट्रा कंप्लीट फेस पैलेट, इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगे, एक सन किस्ड हाइलाइटर, ब्रॉन्जर एंड रोजी ब्लश। अब ये मेरा गिर के टूट गया है, मुझे तकलीफ बहुत हुई बट ये काफी अच्छा है, अब यू कैन सी कैसे गिर रहा है। अब मैं सोच रही हूँ नया परचेस करूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यू कैन सी आप एक ही प्रोडक्ट लोगे, मतलब खत्म काम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, एक प्रोडक्ट लोगे,
तीन चीजें आपको मिल जाएंगी। ये आप अलग अलग लेते हो, चलो पर्पल का ही आप अलग अलग लोगे, 300 400 400 रुपए का इसका हाईलाइटर है, 400 का इसका ही है, 4 4 8 4 12 1200 रुपए का पड़ जाएगा इसमें, 2 6 ये आपको 600 के मिल जाएगी आराम से सेल वेल में, 2 2 4 2 6 600 में आपका तीनों काम हो रहा है। तो फेस पैलेट लोगे कि आप वही पैसे वेस्ट करोगे, यही लोगे ना। फिर मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी एक आई शेडो पैलेट जो काफी अफोर्डेबल हो, आई शेडो पैलेट के लिए तो आप लोग बहुत कमेंट करते हो गाइस। सो मैं आप लोग साथ शेयर करूँ एन वाई बेकी न्यूली लॉन्च आई शेडो पैलेट, इसमें आपको पैकेजिंग वाइज तो काफी अच्छी अंडर 300 ही है। इसमें आपको तीन ग्लिटर वाले शेड मिलेंगे, लाइक ये देखो चमकीला, और पिगमेंटेशन देखना, पिगमेंटेशन देखो इतना पिगमेंटेड है ना, एंड आपको इसमें बहुत सुंदर सुंदर पिंक शेड, ऑरेंज, गोल्डन, क्रीम, ब्राउन, और ये कौन से इसको क्या बोलेंगे, ऑरेंजिस टाइप थोड़ा लाइट लाइट, ये तीनों, ये ब्लैक, तो एक पैर के आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, सारे शेड्स मिल जाएंगे। तो आप क्यों और अच्छा लोगे इन्वेस्ट करोगे फालतू में, जब ये इस एक पैलेट में आपको सब मिल रहा है। ब्लैक शेड जल्दी मिलता नहीं है पैलेट्स में, अफोर्डेबल पैलेट्स में, बट इसमें आपको ब्लैक शेड मिल रहा है, और साथ ही साथ अफोर्डेबल के साथ इतनी पिगमेंटेशन मिल रही है 150 के पैलेट में, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। एन वाई बी के पैलेट में हाईली रिकमेंड करूंगी। फिर हम लेंगे कोई काजल, फिर काजल के लिए तो भाई जिसको मेकअप नहीं पसंद ना वो काजल लगाता ही लगाता है, अब काजल चाहिए है ना, काजल अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल, 80 रुपये का आपको दिखाती हूँ। यू कैन सी एन वाई बी का ये काजल है, ये ब्लू काजल है, इतना पिगमेंटेशन देता है भाई, इतना पिगमेंटेशन देता है, लुक लुक लुक, वन स्वाइप में ही ये ब्लैकेस्ट ब्लैक, सॉरी ब्लूएस्ट ब्लू चलेगा वन स्वाइप में ही। वाटर प्रूफ है, काफ़ी अच्छा है, और 90 रुपये लिखा है बट आपको ये 80 रुपये में मिल जाता है। सेकंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एल एटीन का आई ड्रामा काजल, ये भी इतना सही है ना, इतना सही है, काफ़ी अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ के अंदर मिलता है, एंड बहुत अच्छा काजल है ये। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आईलाइनर। अब आईलाइनर एक ऐसी चीज़ है जो मैं भी जब मैं मेकअप स्टार्ट नहीं किया था, मैं कहीं पे भी जाती थी मैं आईलाइनर ही लगाती थी, इवन मेरी सिस्टर को भी आईलाइनर इतना पसंद था कि वो भाई मेरे ऊपर लगा लगा के ट्राई करती थी। ज़्यादा महंगे में जाएंगे नहीं, सब लोग स्टार्टिंग में सिर्फ ब्लू हेवन ही यूज़ करते हैं, मैं भी आप लोग को ब्लू हेवन ही रिकमेंड करूँगी। जितने अच्छे आईलाइनर लोग, इसका मज़ा तो इसका ही मज़ा है, अच्छा कमेंट करो इसका मज़ा है कि नहीं, सबके पास होता है ये आईलाइनर, एक लैक्मे का, एक ये, और एक ऐसे एन वाई बी का निकला है अफोर्डेबल, वो भी काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, ये आईलाइनर बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, इससे सस्ता आईलाइनर मुझे नहीं पता कि कहीं मिलेगा। फिर हम लगाते हैं मस्कारा, तो मस्कारा का ही मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी, स्विस ब्यूटी का प्रिसिशन थिकन लॉन्ग लैश मस्कारा परमानेंट लाइटनिंग। ये मस्कारा की पैकेजिंग कोई जो हाई प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक अच्छे ब्रांड्स, बहुत अच्छे ब्रांड्स, उससे कम नहीं लगती इस मस्कारा की पैकेजिंग। ये लॉरियल का एक है, लॉरियल का लैश सेंसेशनल करके है, सेंसेशनल सॉरी मैं आई थिंक सही बोल रही हूँ, वैसे उससे कम नहीं लगता है, क्वांटिटी के वाइज आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इसकी टिप काफ़ी अच्छी है, यू कैन सी इसकी टिप बहुत अच्छी है, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो ड्राई का भी वो है ना कि हम लेंस वाटर डालेंगे, बट ये मस्कारा काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल है, टीनेजर के लिए भी बेस्ट है, स्विस ब्यूटी ब्रांड भी अच्छा है। फिर आई हमको चाहिए कोई ब्लश, तो ब्लश के लिए है मेरे पास ये ब्लू हेवन का ब्लश, ये सबको पता होगा कितना अफोर्डेबल, ब्लू हेवन के प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, पिगमेंटेशन भी काफ़ी देता है। इसमें मेरा शेड है डायमंड, नहीं 503, मैंने ये बहुत टाइम पहले लिया था, मैंने तो 100 रुपीज़ का लिया था, 100 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी क्वांटिटी के साथ इतना कलर कोरल सा ब्लश मिल रहा था, और क्या चाहिए आपको मुझे तो आप ये बता दो, और क्या चाहिए आपको। पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, इसमें ना थोड़ा सा शिमर शिमर टाइप का पार्टिकल्स होते हैं, गोल्डन लाइक हाईलाइटर टाइप का गोल्डन इफेक्ट देता है, सो अच्छी बात है, मेरे को काफ़ी पसंद है। जब मैं नई नई थी, जब मैं बिगिनर थी, मैं इसी को ट्राई करके मैं आगे बढ़ी हूँ, तो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप लोग भी कोई अफोर्डेबल ले सको प्रोडक्ट। अगर आप यूट्यूब में आना चाहते हो, चैनल खोला है, तो ऑफकोर्स आप ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग में। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का हाईलाइटर 99 रुपये में, और ये है एन वाई बी का हाईलाइटर, ये न्यूली लॉन्च है ड्रॉप लिक्विड हाईलाइटर, ये आपको 250 का मिलेगा। अब ये पिंक कलर है, वाइट कलर है, इसको भी आप क्रीम लाइक अपनी स्किन पे लगाना, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना, इतना सही ब्लेंड होगा ना, वेट ये देखो भाई इतना अच्छा है ना, ये वाइट कलर का शिमरी सा इफेक्ट देता है, एंड ये जो है ना ये एन वाई बी का, ये तो मतलब इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर कलर है, और इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे, अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए तो आप डेफिनेटली एन वाई बी का ट्राई करो, इसके ऊपर सीसी क्रीम लगाओगे इतना सुंदर नेचुरल सा ग्लो आएगा ना, सो बहुत अच्छा है ये वाला एन वाई बी का। पहले मैं आपको एन वाई बी का सेटिंग स्प्रे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, 199 का लाइक आपको 150 का मिल ही जाएगा, पर्पल में इतनी सेल वगैरह चलती रहती है, आई हार्ट ब्यूटी सेल, ये वाली सेल, अभी तो दिवाली की सेल आने वाली है, तो बहुत अफोर्डेबल मिल जाएगा। एन वाई बी का मैक्स फिनिश सेटिंग स्प्रे, अभी इतना अच्छा सेटिंग स्प्रे है ना, इसकी खुशबू भी ज़्यादा हैवी नहीं है, अगर आप मेरी तरह खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। हाँ क्वांटिटी कितनी मिलेगी इसकी, क्वांटिटी इसमें लिखी नहीं है, ओके क्वांटिटी नहीं पता चल रही है, बट इतनी कुछ बॉटल होगी, बट छोटी बॉटल है, बट काफ़ी अच्छा कमाल करता है, सेट कर देता है मेरा वेस, इसको मैं ट्राई करती हूँ अपनी वीडियोज़ में। फिर मैं आप लोग साथ ये तीन लिपस्टिक्स शेयर करूँगी, जो टीनेजर्स भी ट्राई कर सकें, बिगनर भी कर सकें, और जो ब्राइड्स वगैरह देखती हैं वो भी ट्राई कर सकें। ओके
हाला वाले लुक में जो मुझे बहुत कमेंट आए थे दीदी कौन से लिपस्टिक है कौन से लिपस्टिक है, तो टीनेजर के लिए मैं हाईली 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 रेकमेंड करूंगी ये मेबलिन की न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट बाय कलर सेंसेशनल। वेट मैं इसका आपको दिखा स्वैच दिखाऊंगी। यू कैन सी इतना सही है, हाथ तो देखो इतना सही शेड है ना, मतलब बहुत अच्छा शेड है। टीनेजर हो ना आप लोग के लिए बहुत बेस्ट शेड है, सो जरूर परचेस करना। स्विस ब्यूटी का ये इसमें शेड नहीं लिखा, इसलिए करके कि मिनी लिपस्टिक है ये, कोरल शेड में है ये भी। टीनेजर बिगनर कोई भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा शेड है। यू कैन सी बिल्कुल कोरल सा शेड है, बहुत पसंद आता है ये भी, काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल ही है। इनसाइड कॉस्मेटिक का नॉन ट्रांसफर लिप कलर, ये थोड़ा सा डार्क शेड में आ जाता है, अगर किसी को डार्क पसंद है तो यू कैन ट्राई दिस, ये भी काफ़ी अच्छा मरून टाइप का कलर बोल लो, ब्लड वाला है ना वैसा कलर है। ओके सो दिस इज माई वीडियो और काफी अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू, टेक केयर।